नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द डिजिटल सेशन ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। दिस क्लास इज फॉर बीएससी बीएड एंड बीएससी पीसीएम स्टूडेंट्स इज ऑफ मैकेनिक्स। सो आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो पहले देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वी हैव दिस वेक्टर ए and this vector here. Okay. So suppose first these are individual vectors. आप इनको देखिए अलग अलग, अभी तो ये ट्राइंगल लॉ के फॉर्म में अरेंज हो रखे हैं। आप सपोज कीजिए एक वेक्टर ए यहाँ रखा हुआ है और दूसरा वेक्टर बी इधर कहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, देन हम इसको ट्राइंगल लॉ की फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसको ट्राइंगल लॉ की फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब जब हमने इसको इस फॉर्म में अरेंज कर दिया है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स का सम होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा सी, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगा, ओ टू सी, सी की तरफ एरो बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से अरेंज होता है, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। ओके, सो यहाँ पे टेल टू टेल जॉइन हो रहे हैं, यहाँ पे हेड टू हेड जॉइन हो रहा है, और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी, इन दोनों वेक्टर्स का सम। ये है आपका ट्रायंगल लॉ, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, दैट इज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करें, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, ध्यान से सुना, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, जैसे आपके पास ये है, एक क्वांटिटी है 4 और एक क्वांटिटी है 3। ठीक है, उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होता है, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब इसी चीज को मैं ऐसे करूँ कि हम 4 और माइनस 3 को ऐड कर देते हैं तो वो डिफरेंस आ जाएगा। तो आप 4 और माइनस 3 को ऐड करके देखिए, 4 प्लस देन ब्रैकेट में माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3 विच विल गिव अस द आंसर इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो भी हमें सेम चीज देगा। इसी तरह हम ए और माइनस बी को ऐड कर देंगे तो वो हमें ए माइनस बी देगा, विच इज बेसिकली द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है एक वेक्टर ए जिसकी डायरेक्शन ये है, दूसरा वेक्टर है बी जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। अब हमें क्या करना है, ए और माइनस बी को ऐड करना है, तो हम पहले माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने माइनस बी वेक्टर ड्रॉ किया जिसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब हम इसको ट्रायंगल लॉ की तरह अरेंज करते हैं। ये हमारा वेक्टर ए था, हमने इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रखा है, देन हमारा हम वेक्टर माइनस बी को अरेंज करना है हमें, क्योंकि हम किसको ऐड कर रहे हैं, ए और माइनस बी को। हमने यहाँ पे माइनस बी को ऐसे रख दिया, ये ट्रायंगल लॉ के फॉर्म में अरेंज हो गए, बिकॉज यहाँ ये जो पॉइंट बी है यहाँ पे एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कंबाइन कर रहे हैं, सो ये अरेंज हो गया। अब हम थर्ड वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो कि इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए से सी की तरफ, एरो सी पे बनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि टेल टू टेल जॉइन होने चाहिए, दूसरी तरफ हेड टू हेड जॉइन होने चाहिए। ठीक है, इसलिए तो वेक्टर सी क्या होगा, ए प्लस माइनस बी, ये हमारा वेक्टर सी होगा, और इस क्वांटिटी को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर हमें दोनों, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमें दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस देगा। ठीक है, तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब हम वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी आपने पढ़ी होगी,
हिंदी में आई डोंट रिमेम्बर इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, अगर ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों अगर सेम आते हैं आंसर्स, तो ए और बी दोनों को कम्यूटेटिव बोला जाता है. तो अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ऐसे आएगा. ठीक है, इसमें बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, ये कम्यूटेटिव रिलेशन होता है. ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. तो हमारे जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव रिलेशन को फॉलो करता है. ए के साथ बी को ऐड करें या बी के साथ ए को ऐड करें, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा. तो ये हमारा कम्यूटेटिव रिलेशन फॉलो करता है. सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं एसोसिएटिविटी. वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है. ठीक है, हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी सी. ठीक है, हम ए और बी को पहले ऐड करें और उसमें सी को बाद में ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वो, और अगर हम बी और सी को पहले ऐड करते हैं और बाद में उसको ए में ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, और जब कोई क्वांटिटी ऐसे टर्म्स ऐसा रिलेशन फॉलो करती है तो उसको बोला जाता है एसोसिएटिव. तो वेक्टर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है, वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ठीक है, थर्ड है ओ इज द आइडेंटिटी इन वेक्टर एडिशन. ओ एक वेक्टर एडिशन में आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको कि हम किसी भी क्वांटिटी में आइडेंटिटी को ऐड करें और वो सेम क्वांटिटी आ जाए. ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो उसमें हम किसी चीज़ को ऐड करें और हमें सेम क्वांटिटी मिल जाए, तो जो चीज़ हमने ऐड की है उसको आइडेंटिटी बोला जाता है. ठीक है, तो वेक्टर ए में हमने ओ को ऐड किया, हमें आंसर में ए भी मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये ओ जो है वो आइडेंटिटी है. अब ओ क्या होना चाहिए कि आंसर सेम आए, खुद टेस्ट कर सकते हैं आप. जीरो वेक्टर, अगर हम किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर को ऐड कर देंगे तो हमें वही वेक्टर मिलेगा. ठीक है, तो ओ जीरो वेक्टर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आइडेंटिटी वेक्टर एडिशन के लिए एग्जिस्ट करती है. ओके, सो ये था वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ. ठीक है, अब इससे नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. If there are any doubts from your side, you can mention in the comments. I will reply there. Thank you, students.